प्रतियोगिता कराकर पूरे जिले में जल जीवन मिशन ने पानी की अहमियत बताई। हर घर में शुद्ध मीठा जल के सपने को हम पूरा करेंगे, कहा सिमरी विधायक के पिता पटेल। हर घर मीठा जल, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, हमारी पहली प्राथमिकता, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का साफ तौर से कहना। सिमरिया विधायक रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जल जीवन मिशन के तहत चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कृत करते हुए बोल रहे थे। हर घर मीठा जल, जिसके चलते जल जीवन मिशन के तहत घर घर मीठा जल की तैयारी में जुटा हुआ है जिला प्रशासन जल जीवन मिशन योजना के तहत। दूर दराज के इलाके के लोगों को शुद्ध जल को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चलाकर उनको शुद्ध जल के बारे में जानकारी दी जा रही है, नल से उनके घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर, जन जागरूकता फैलाने को लेकर पूरे जिले में बच्चों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। जन जागरूकता मिशन के तहत बच्चों को जानकारी दी गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार जागरूक हो इस थीम को आगे बढ़ा रहा है योजना को लेकर। वहीं मीठे जल का महत्व बताने के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। हर घर तक नल जल योजना के माध्यम से मीठा जल पहुंचाया जाए, वहीं दूसरी ओर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी साफ तौर से कहते हैं, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है शुद्ध नल जल योजना के तहत शुद्ध पानी सभी के लिए। इसके लिए हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम चाहते हैं वन ड्रॉप मोर ड्रॉप का सपना, जो हमने देखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे हम जल्द पूरा करें। केपी त्रिपाठी रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पूरे जिले में चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर रहे थे। तभी हमारी टीम ने उनसे बातचीत की। केपी त्रिपाठी साफ तौर से कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा था, उसे हम पूरा कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार चाहती है इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, सभी प्रदेशवासियों के घर पर मीठा पानी पहुंचे, वह भी नल के माध्यम। पिछली सरकारों ने सड़क बिजली पानी के बारे में कभी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा था बिजली 24 घंटे मिलेगी। आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हमारे चारों तरफ की सड़क बेहतर हो गई है। यह सब हमने कर दिखाया जो भी हमने सोचा था, और जो कुछ भी बचा है उसे हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी बोलते हुए ये सारी बातों को उन्होंने कहा। मौका था चित्रकला प्रतियोगिता का, बच्चों को चित्रकला के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने के तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसके चलते उनको थीम दी गई थी नल से मीठा पानी, मीठे पानी के फायदे। इस तरीके की बातें के तहत जल जीवन मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जिले के प्रत्येक घर में नल से मीठा पानी पहुंचाने के लिए। सुनिए केतपी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। पानी और इस तरीके का बगैर लाइट के चल रहा है, इस सब देख के कैसा लग रहा है और क्या ये उम्मीद की जाए कि इस तरीके की ज़मीन में भी दिखाई देगा हकीकत? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब तक नहीं बनी थी तो लोगों को सड़क पानी बिजली का सपना ही दुरूह लगता था। जो आज नहरों का जाल, सड़कों का जाल और बिजली 24 घंटे, ये सपना ही था कि कोई सरकारें कर पाएंगी। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है कि हर घर में शुद्ध मीठा जल और वन ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर सरकार हमारी काम कर रही है, और ये पूरा धरातल पर उतरेगा और हम जो भारत के विकास की दिशा है एक कदम और आगे बढ़ेगा।